और छत्तीसगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार की ये दूसरी सूची है जो जारी की गई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस प्रकार से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 नामों का ऐलान किया है। इसके अलावा सांसद रेणुका सिंह को भरतपुर सोहनत से उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव से टिकट मिला है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू को उम्मीदवार बनाया गया है, टिकट मिला है। रायपुर नगर पश्चिम से राजेश मूड़त को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड अनिल पुष्पकर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे सीधा यही जानना चाहूंगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में 64 नामों का ऐलान हुआ है और इसमें 3 सांसदों को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जो 11 मौजूदा विधायक है उनको रिपीट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 3 हैं और उसके बाद पहली सूची जो 21 लोगों की जारी हुई थी उसमें विजय बघेल जो है वो भी सांसद है। तो 4 सांसद जिसमें से एक केंद्रीय मंत्री है रेणुका सिंह, इनको उतारना माने इस बार ये ऐसा लगता है कि भाजपा कहीं कोई चूक नहीं करना चाहती, बड़े ताकतवर नाम सामने रखकर लड़ रही है। और 11 जो है विधायक, जो मौजूदा विधायक, उनको भी टिकट देने का कारण यही है कि असंतोष जो फैक्टर होता है चुनाव में टिकट बंटवारे के, उससे वो बचना चाह रही है और उस एनर्जी को वो आगे चुनाव जीतने के लिए लगाना चाह रही है। और आज जो 3 जो सांसदों को उतारा है, वो तीनों सांसद जो है वो एकदम, जब पिछले चुनाव था तो पिछले चुनाव में ऐसा लग रहा था करके कि पुराने दिग्गज सांसदों को काट के, पुराने दिग्गज नाम को काट के एकदम नए चेहरे थे। अब उन्हीं नए चेहरों को जब वो ताकतवर हो गए हैं तो उनको विधानसभा में उतारा गया है, लोकसभा की जगह। तो ये बीजेपी की जो है एक स्ट्रेटजी है, सरप्राइज एक फैक्टर होता है, वो भौचक कर देने वाली स्थिति लाना चाहती है। और 64 और 21 यानी 85 टिकट जो है वो बीजेपी बांट चुकी है। अब 5 सीट बच गई है, 5 में एक पंडरिया जो है, जहां पर जो भी कांग्रेस के विधायक जो थे जो है मतलब भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं, धर्मजीत सिंह, शायद उनके कारण अटक गई है। एक कसडोल है जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जहां से चुनाव लड़ते थे उनके कारण रुकी हुई है। तो इस तरह जो है कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा ने जो सीट टिकट की सूची जारी की है, दूसरी सूची, वो बहुत सोच समझ कर जारी की है मनीष, और जीतने के फैक्टर को ही उसमें एक इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट माना गया है मनीष। लेकिन सर, यहाँ पर 3 सांसदों को, जो मौजूदा सांसद है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है, इसका सियासी गुणागणित क्या है? और इसके अलावा जो 5 सीटें छूट गई है, चूंकि 90 सीट है छत्तीसगढ़ में, उन 5 सीटों का सियासी समीकरण क्या है? क्या वहां पर फीडबैक ठीक नहीं है? क्या वहां का जो बीजेपी के पक्ष में या यहां पर उम्मीदवारों का चयन, क्या कुछ बन रहा है यहां पर सियासी समीकरण सर? नहीं, पहले मैंने आपको बताया 5 सीट में एक तो जो है पंडरिया से जो विधायक रहे हैं, अभी जो वर्तमान विधायक है धर्मजीत सिंह, जो भी कांग्रेस के थे, वो उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो अब शायद ऐसा लगता है कि उनको टिकट देना है, तो इसलिए उस पर फैसला नहीं हो पाया है। और एक जो है कसडोल विधानसभा सीट है जहां पर पूर्व जो है विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल चुनाव लड़ते थे, तो इसलिए वो भी एक रुकी हुई है। बेलतरा सीट पर सिंगल नाम का पैनल है जरूर, लेकिन उस पर भी जो है कुछ ना कुछ तकलीफ जो है बीजेपी को दिख रही है। लेकिन जो मुख्य जो है, मुख्य जो बड़ी जो सीटें हैं, वो 85 सीटें को जारी कर देना, उनके प्रत्याशियों के नाम जारी कर देना, ये बीजेपी की सफलता है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से बहुत आगे निकलती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अभी एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है और बीजेपी ने लगभग लगभग पूरे जो है नाम जारी कर दिए हैं। जी मनीष जी, बिल्कुल सर, लेकिन एक नाम चौंकाने वाला है, लोरमी से, जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद है, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब को लोरमी से किस लिए उतारा है? क्या पर साहू बहुत का है, या जो धर्मजीत सिंह की जबरदस्त पकड़ है, धर्मजीत सिंह को तखतपुर से लड़ाकर लोरमी से अरुण साहब को देने की तैयारी को से मतलब बीजेपी को फायदा होगा, यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है सर? या फिर बीजेपी में एक बात और है सर, एक और जानना चाहूंगा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने सीएम फेस अभी आगे नहीं किया है, किसी को भी एक चेहरा नहीं बताया, हम इनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अब सांसद को और मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष उनको भी चुनाव में उतार दिया है, इस सारा कुछ ना कुछ है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अरुण साहु पिछली बार जब चुनाव लड़े थे सांसद का, तो उस समय वो एकदम नया चेहरा थे, तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। बीजेपी इस तरह के प्रयोग करते रहती है लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी विधानसभा चुनाव में पिछली बार जिस
तरह से उनकी दुर्गति हुई थी, 15 सीट पर सिमट गई थी, तो उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए 6 महीने के बाद तो एकदम बीजेपी ने पुराने जो दिग्गज थे, चाहे विष्णुदेव साह हो या रमेश बैस हो, दोनों केंद्रीय मंत्री थे, और रमेश बैस जो आज महाराष्ट्र के गवर्नर है वो उस समय के सबसे मतलब मध्य छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता थे, वो श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, दो दो धनेंद्र साहू और जुगल किशोर साहू, इनको सबको हरा चुके, 6 बार के सांसद थे, उनकी टिकट काट दी थी, तो नए चेहरे को लाकर पिछली बार चौंकाया था भाजपा ने लोकसभा चुनाव में। अब अरुण साहु को पिछली बार जब सांसद बनाया गया था उसका, इस बार अब पिछली बार विजय बघेल जो है पहली सूची में जिनका नाम है सांसद, वो भी सांसद है, वो भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़े, पाटन से उनको टिकट दी गई है, पिछली बार उनको विधानसभा का भी टिकट नहीं दिया गया था, सीधे लोकसभा का दे दिया गया था। तो भाजपा ऐसे प्रयोग करते रहती है और इससे एक प्रकार से ये जो चेंज जो है वो कम कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए या किसी चेहरे से ऊब वाली बात है या चिड़ वाली बात है, उस सेक्टर को कमजोर करता है और डाइल्यूट करता है। दूसरी बात जो आपका जो महत्वपूर्ण सवाल है कि राजनांदगांव से रमन सिंह को टिकट देने के बाद भी सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया, तो बीजेपी में अक्सर ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में देखिए पिछले चुनाव में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन बाद में योगी को बना दिया गया, बाद में योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ दिया गया। इसके पहले छत्तीसगढ़ के तीनों चुनाव जो है रमन सिंह के चेहरे पर लड़े गए थे, तो ऐसा नहीं है रमन सिंह को दरकिनार कर दिया गया। बीच में तो भूपेश बघेल ने कह दिया था कि उनके भांजे को टिकट दे दी गई है विक्रांत को, तो अब रमन सिंह का पत्ता साफ है, लेकिन रमन सिंह के ऊपर भरोसा जताया है पार्टी ने, उनको टिकट दी है, तो आप कह सकते हैं करके कि कलेक्टिव लीडरशिप जी, एक कलेक्टिव लीडरशिप के नाम से एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे मध्य प्रदेश में भी 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, यहाँ पर भी सांसद को उतार दिया गया, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री है उनको भी उतार दिया गया, तो एक कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पे जो है असंतोष को जो है वो मैनेज करें, ये कोशिश है भाजपा जी। जी बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी ऐसे प्रयोग करती रहती है, बीजेपी ने एक और प्रयोग किया है, छत्तीसगढ़ के जो एक्टर है उनको भी चुनावी मैदान में उतारा है, छत्तीसगढ़ के में फिल्मों के जो एक्टर अनुज शर्मा है उनको धरसीवा से चुनावी मैदान में उतारा है, इनका क्या कुछ समीकरण बन रहा है सर? देखिए धरसीवा से के विधायक थे देवजी पटेल, वो पिछली बार चुनाव हार गए थे और उन्होंने इस बार अनिच्छा जाहिर कर दी थी, मैं यहाँ धरसीवा से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, वो जगह खाली थी। और दूसरा अनुज शर्मा जो है वो जाति समीकरण के तहत वहाँ ब्राह्मण जो है एमएलए हैं अभी अनिता शर्मा, तो उनके खिलाफ उसको उतारा गया है, और ये प्रयोग पहला नहीं है, इसके पिछले चुनाव में आईएएस अफसर जो थे ओपी चौधरी उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनको टिकट दे दी गई थी, इस बार भी एक और आईएएस अफसर है जो रिटायर्ड है उनको टिकट दी है, तो ये भाजपा के प्रयोग तो चलते रहते हैं। ओपी चौधरी का सर आपने जिक्र किया है, चूंकि ओपी चौधरी का आपने जिक्र किया है, ओपी चौधरी को रायगढ़ से टिकट मिली है, उनका नाम चंद्रपुर से भी चल रहा था, पिछली बार वो खरसिया से उमेश पटेल से हारे थे, इस बार सीट बदली है, क्या रायगढ़ में गुटबाजी देखने को मिल सकती है? चूंकि आपने जिक्र किया है तो मैं पूछ ही लेता हूँ छोटा सा सवाल। नहीं नहीं नहीं, देखिए गुटबाजी तो हर जगह होती है, ऐसा कहाँ आज तक किसी पार्टी में होती है, अभी जब कहती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस है, उस समय वो विपक्ष में थी तो गरीब के घर में प्रॉपर्टी के झगड़े होते नहीं है, लेकिन अगर सत्ता में आती है तो गुटबाजी होती है, सत्ता में आने के बाद सत्ता के बंटवारे में थोड़ा बहुत विवाद होता ही है, तो रायगढ़ जो है वो कभी जीती ही नहीं है भाजपा, इसलिए ये भी एक प्रयोग है, इसे प्रयोग मान सकते हैं आप, कि खरसिया से उसका टिकट काटकर इनको यहाँ दे दिया गया, जो खरसिया में वो जीत नहीं पाए थे, तो रायगढ़ में एक बार इन फिर से प्रयोग किया गया है कि शायद शहरी क्षेत्र को में ओपी चौधरी अपनी पकड़ जमा पाए और कुछ प्रभावित कर पाए मतदाता को। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 नामों का ऐलान कर दिया है, दूसरी सूची का जारी कर दिया है। बता दें कि रायपुर नगर उत्तर से पुरंदर सिंह को और इसके अलावा रायपुर नगर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाटापारा से, तो भाटापारा से शिवरत्न शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। बलौदा बाजार से टंकराम वर्मा को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम नाम हैं जो बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारे हैं। और बलाईगढ़ से दिनेश लाल जागले को टिकट मिला है। और महासमुंद की अगर बात करें तो महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। शक्ति से डॉक्टर खलाबन साहू को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं।